सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो पे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोट रॉकर्स 238 प्रो की जो नेक बैंड है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से रिटेल बॉक्स है। तो इसे मैंने दो तीन दिन पहले ही मंगाया था अमेजोन से, ठीक है। तो हालांकि अभी अमेजोन पे आपको अवेलेबल नहीं दिखाई देगा, अगर आप इसे खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा। आपको अगर इसे बाय करना है सेम मॉडल तो आपको बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे ऑर्डर करना पड़ेगा। फिलहाल अभी अमेजोन पे नहीं दिख रहा है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से रिटेल बॉक्स है। तो चलिए आज इस वीडियो पर हम देखेंगे इसके अनबॉक्सिंग फर्स्ट लुक, ऐसा यूज़ करने में कैसा है, ये जो ब्रांड है वो किस तरीके से इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सारी चीजें मैं इस वीडियो बताऊंगा इस बोट रॉकर्स 238 प्रो का। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम पास की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बॉक्स की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से बॉक्स यहाँ पे आया था, तो मैंने ओपन कर लिया था। ओपन डिलीवरी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अंदर कोई माल आपको खराब मिल जाए। यहाँ पे लिखा है अपना नाम रॉकर्स 238 प्रो, यहाँ स्पेसिफिकेशन किए गए ऐसा चार्ज टेक्नोलॉजी मिलता है, मतलब फटा से चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ENX टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि वॉइस को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड नॉइस होते हैं। और यहाँ पे वाइब्रेशन कॉल अलर्ट मिलता है, यानी आप कान पे लगाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। बॉक्स की वेबसाइट में बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 20 मोड मिलता है, प्ले टाइम को मिल जाता है कुछ इस तरीके से 24 घंटे का। और यहाँ पे मिलता है 10 mm का ड्राइवर जो कि बेसिक बात है। और यहाँ पे मिलता है IPX5 वाटर रेसिस्टेंट, यानी थोड़ा बहुत पानी अगर लगा तो चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें प्राइसिंग की बात करूँ तो देख सकते हो प्राइस यहाँ पे लिखा है 2490, बट एज नो वीडियो के एंड बताऊंगा कितने मिला है। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ इस तरीके से यहाँ से करना है एंड यहाँ से ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा रखा हुआ है बोट रॉकर्स 238, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, उसको इग्नोर करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसे निकाल लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो कलर मैंने लिया है ग्रे कलर है, ग्रे और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक और ब्लू से मैं बोर हो चुका था पूरा। और ये जो आपको दिख रहा है ये इग्नोर करो इसको, ये ओपन करते टाइम कुछ यहाँ पे दाग लग गया था, तो पहले से ये नहीं था, मेरे से गलती से हुआ है। एंड यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कुछ इस तरीके से तो इसमें एक और सेक्शन मिलता है हमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ऑफकोर्स इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मिलता है हमें ईयर टिप्स, चार्जिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो एक करके दिखाते हैं, ये है बोट के कुछ स्टिकर्स, कुछ नहीं बहुत सारे स्टिकर्स हैं बोट के जो कि हमें मिलते हैं, आप कहीं भी इसे चिपका सकते हो कुछ इस तरीके से, बहुत सारे स्टिकर्स हैं। एंड फाइनली यहाँ पे एक मिलता है इनका थैंक यू कार्ड जो कि बोट की तरफ से मिलता है रॉक इन इंडिया। एंड यहाँ पे हमें मिलता है चार्जिंग केबल जो कि USB-A to USB Type-C, इसको चार्ज करने के लिए वायर भी इसका जो चार्जिंग केबल है इस बार फ्लैट दिया गया है, गोल नहीं है, देख सकते हो ये फ्लैट में मिला है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे हमें मिलता है एक ईयर बिंग्स जो कि आप अपने ईयर में इसे प्लग कर सकते हो, ताकि अगर आपके कान से ईयरफोन गिरते हैं तो ये जो हिस्सा है आपके कान में ऐसा अटक जाएगा, जो आपका जो ईयरबड है वो कान में से नहीं गिरेगा। तो ईयर बिंड है एक्स्ट्रा, अगर आप चाहते हो तो इसमें लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसे रख सकते हो कभी भी आप इसे यूज़ करना चाहोगे तो। एंड यहाँ पर मिलता है हमें एक वारंटी कार्ड, यस ये वारंटी कार्ड है, इसे आप रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस प्रोडक्ट कम विद 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी। एंड यहाँ पे है इस प्रोडक्ट का एनवलप कि इसे कैसे यूज़ करना है, देख सकते हो ये सेम मॉडल्स का है। एंड यहाँ पे मिलता है छोटा सा स्टिकर जो कि है बोट अहेड का, जो कि बेसिक स्टिकर्स है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक इंटरनेट मैनुअल जहाँ पे आपको इनके ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे जो कि आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड फाइनली ये है हमारा एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो कि है लार्ज और स्मॉल, क्योंकि मीडियम इसमें पहले से इंस्टॉल होकर होता है। तो ये होगी बॉक्स कंटेंट की बात। अब फाइनली हम बात करते हैं इस नेक बैंड, देखिए नेक बैंड बेसिक सा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो कलर मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कलर मुझे इसलिए अच्छा लगा जो ग्रे एंड ये जो गोल्ड का कॉम्बिनेशन दिया गया, जैसे सकते कुछ इस तरीके से इसके जो ये बिंग्स हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे गोल्ड। और यहाँ पे अच्छी बात है कि इसमें आपको मैग्नेटिक सपोर्ट मिलता है, यानी कुछ इस तरीके से करोगे तो प्ले पॉज होना चाहिए, बट अभी पता नहीं। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इस बिंग की, तो अगर मैं इसे निकालता हूँ देख सकते हो कि जो अंदर कोटिंग की गई है वो है मेटल की, तो कपड़ा यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि कपड़े से क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपको दे नहीं पाता, बट एज न्यू यहाँ पे आपको मिल जाए मेटल का जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ से मैं इसे, मेरा स्मॉल साइज़ ही है कान का
तो मैं पहले से इसे स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल रबड़ को मैंने यहाँ पे लगा चुका है। एंड अगर मैं बात करता हूँ वायर क्वालिटी की, तो ठीक ठाक है वायर क्वालिटी, इतना ऑसम भी नहीं बोल सकते बट इतना बेकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बोट के जो नेक बैंड होते हैं स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। इसके पहले मेरे पास बहुत सारे बोट्स के मैंने यूज़ किया हुआ था, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बट हाँ, इस प्राइस फैक्टर में जो इस पर हमें मिलते हैं क्वालिटी, इट्स बेसिक कि यहाँ पे जो कॉयर है, वायर की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, टेंगल फ्री है। अगर आप इसको कुछ इस तरह से रखोगे तो ऑटोमेटिक देख सकते हो, अगर मैं इस तरह से मोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो सही हो जा रहा है क्योंकि टेंगल फ्री है। तो ये जो हिस्सा आपके नेक पे जाने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट क्वालिटी का है, तो मतलब आपको इरीटेटिंग नहीं होगा। क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, तो ये ऑटोमेटिक आपके जाके स्किन पे बढ़ जाता है, जो गर्दन की स्किन होती है वहाँ पे। तो कई कई जो हिस्से होते हैं इसके चुभते हैं, बट यहाँ पे मतलब इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो हिस्सा दिया गया है, एक सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, सॉफ्ट रबर बोल सकते हो आप, जो कि आपके जो नेक का जो स्किन होता है उसे इरीटेटिंग नहीं करेगा। और यहाँ पे हमें मिल जाता है, साइड में आपको मिलता है बटन कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉल्यूम अप का बटन, यहाँ पे मिलता है पावर ऑन ऑफ, जिसमें हमें बोट का लोगो मिल जाता है। एंड बेसिक जो नीचे साइड है आपको मिल जाएगा माइनस वॉल्यूम। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ऑलमोस्ट आई थिंक इस चालू हो, देख सकते हो इसमें चार्जिंग है। और यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर है जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि इसमें कितना परसेंट चार्जिंग बचा है या कनेक्ट हुआ है कि नहीं। देख सकते हो अभी पेयरिंग मोड पर है, अभी कोई भी डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अफकोर्स यहाँ पे मैं साउंड टेस्ट करने वाला हूँ यूज़ करके। एंड यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट स्पेशली यहाँ पे इस तरीके से नीचे दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देख सकते हो यहाँ पे सेपरेट से जगह पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि साइड में नहीं है, अच्छी बात है, नीचे की तरफ है। एंड इसको इसके लिए भी एक्स्ट्रा कवर दिया गया जबकि ये हाइड हो जाए ताकि पता ना चले। तो ये सपोज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो फटाफट से मैं पहले इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपना आईफोन 13 के साथ में, देन आपको बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी किस तरीके से है। तो देख सकते हो यहाँ पे नाम आ चुका है बोट रॉकर्स 238। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जो देख सकते हो नेक बैंड वो कनेक्ट हो चुके हैं रॉकर्स 238 प्रो। एंड यहाँ पे स्पेशली जो ये बटन है, इससे सीरी भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैंने नोटिस किया, जैसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ यहाँ पे सीरी भी आ रहा है। और ये जो वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी है ईयरबड में, इस नेक बैंड में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर मैं सीरी का बटन कंट्रोल कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे वाइब्रेशन फील करा रहा है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है, यानी कॉल आएगा तो आपके जो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, वो आपको वाइब्रेट करके बताएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ कॉल्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस नेक बैंड में, जो कि वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ आई थिंक बोट में, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी मिलता है। लाइक अगर आप इसे गर्दन पर लगाओगे कोई कॉल आएगा तो आपको फटाक से पता चल पाएगा। तो चलिए बात करके बहुत फटाफट से साउंड क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि साउंड क्वालिटी सही इस तरीके से है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो ओके यहाँ पे साउंड क्वालिटी उतना बेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बेस वाले, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, लाइक आपको बेस ज़्यादा अच्छा लगता है, देन आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि बेस बहुत डिसेंट है, बट हाँ इतना भी बोल सकते हैं कि इतना भी लाउड नहीं है। आने जब प्ले होंगे ना तो उसके जो लिरिक्स होते हैं, जो उसके और इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, वो आपको क्लियर तरीके से सुनाई देंगे, जो कि अच्छी बात है। और मैं बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज। अगर बात करें म्यूज़िक क्वालिटी की, तो मुझे इसमें म्यूज़िक ओके लगा। बेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जो मीडियम बेस सुनते हैं, जो मीडियम बेस भी सुनते हैं और थोड़ा नॉर्मल सुनते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है एक नेक बैंड। तो अगर फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, तो ये मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से मिला जो बोट की, वो है 1299। एंड अगर मैं जैसे बताया स्टार्टिंग में कि जो प्रोडक्ट है अभी आपको Amazon पे नहीं दिख रहा, आई थिंक भी Flipkart पे दिख जाए, क्योंकि मैंने उस पर चेक नहीं किया है। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो देन डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा जहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल ओके प्रोडक्ट है, अभी लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका लेके आ जाऊँगा, कुछ एक हफ्ते में अच्छे से यूज़ करता हूँ। और क्योंकि अभी खाली एक ही दिन में यूज़ किया, एक या दो दिन, तो उतना मैं बता नहीं सकता। ओवरऑल वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।